अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बकर द मुंडा। और आज की वीडियो में मैं एक बहुत बड़े यूट्यूबर को एक्सपोज करने वाला हूँ। अच्छा, यूट्यूब की जो फील्ड है ना, यहाँ पर कई यूट्यूबर आए, उनको फेम मिली, उन्होंने एक पब्लिसिटी हासिल की, लेकिन कुछ यूट्यूबर ने इज्जत तो हासिल की लेकिन फ़कत खुद को कोई बादशाह समझने के लिए, या पता नहीं जो भी उनके एक मकसद होते हैं। और एक यूट्यूबर को आज जो मैं एक्सपोज करने वाला हूँ, मैं समझता हूँ कि उसे शर्म आनी चाहिए, उसे डूब के मर जाना चाहिए कि कुछ यूट्यूबर, कुछ उसके फैंस, उसके सिटी, उसके जो मोहल्ले में उसे मिलने गए हैं, तो जब उसके टाउन गए हैं, उसे मिलने गए हैं, तो उसके रवैये में बताता हूँ। उन लोगों ने वीडियो में बताया, मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ। वो वीडियो भी रियलिटी थी, ये बात भी रियलिटी है। तो गए हैं मशहूर यूट्यूबर है, नाम नहीं लूँगा, वो कहे जाता है ना कि अकलमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो उससे मिलने गए हैं। तो जब उसके पास पहुँचे, उसके घर पहुँचे, तो वो सामने नहीं आया, उसका एक आदमी आया, उसने कहा कि जी फिलहाल साहब जो है ना, वो घर नहीं है। तो वो जो गए थे, अच्छा खासा सफ़र करके गए, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं है यार, घर होना चाहिए, क्योंकि माह रमज़ान है, माह रमज़ान में सब घर होते हैं। तो वो जो एक आदमी था, वो जो उसका एक चमचा घर था, तो सामने वो आया, तो उसने कहा कि फिलहाल साहब घर नहीं है। उन्होंने कहा यार खुदा का वास्ता है, हमें तो मुलाकात करवा दें, मैं कोशिश करूँगा उनकी थोड़ी सी वीडियो चला दूँ ताकि आपको ना क्लियर समझ आ जाए। तो वो उन्होंने कहा यार थोड़ी सी हमारे रब्ता करा दें, हमारे रमज़ान के महीने हैं, हम रोज़े के साथ आए हैं यार, हम के फैन, उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो जो एक चमचा था, उसने कहा नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकते, उन्होंने जो है ना हमें इजाज़त नहीं दी किसी को अंदर बुलाने की या किसी से बात करने की, आप जाएँ, मेहरबानी होगी। तो फिर वो चले गए, क्योंकि वो अपने वीडियो में बता रहे थे अपने एक सिटी का नाम, तो उनका वो जो है ना गाँव टाइप नाम था, उन्होंने बताया था यार मैं ना वीडियो चलाऊँगा, वो आप वहाँ से देख लेना। तो जब वो नहीं मिला, वो वापस आ गया। उस यूट्यूबर को मैं यही कहूँगा, तुम्हारा ये फिरौनियत वाला जो ये सिस्टम है, या तुम ये जो खुद को फिरौन साबित करना चाहते हो, खुदा के लिए ऐसा ना करो। ये यूट्यूब है मेरे भाई, आज आपके पास फेम है, कल नहीं होगा। मेरा एक जानने वाला यूट्यूबर था, मेरे उससे तकरीबन इंस्टा पर बात भी होती रहती थी, और काफ़ी शेयर से भी जानते भी होंगे, मानी भाई जो गेमर लवर हैं तकरीबन GTA 5 के, वो जानते होंगे। उसका चैनल था मानीफाई के नाम से, 50,000 प्लस उसके सब्सक्राइबर होने वाले थे, और उसने यूट्यूब छोड़ दी। तो मेरा एक दिन रब्ता हुआ, मैं गया, तो तू यूट्यूब छोड़ रहा है, तेरा तो अच्छा खासा चैनल चल रहा है। उसने कहा यार जब कोई मिलने आता है ना, तो वो क्योंकि नॉर्मल फैमिली से था, तो मैं यार मैं डिस्टर्ब होता हूँ, और मैं नहीं चाहता अगर मैं मशहूर हो जाऊँ, तो उसके बाद अगर मैं मशहूर हो जाऊँ, मेरे पास एक पब्लिसिटी आ जाए, मेरे पास एक घर भी आ जाए, लेकिन मैं उनका दिल तोड़ूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं खुद को अपने काम पर ही फोकस कर लेता हूँ। उसने अपना चैनल सेल कर दिया, क्यों? क्योंकि वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। ये होती है इंसानियत, और ये होता है इंसान। और जो एक सही बैंक की मैं पहले जिक्र कर रहा था, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको सदा ये सब्सक्राइबर नहीं रहने, आपके सदा आपका जो आपके सिटी में, जो आपके मोहल्ले में आपके नाम है, वो नहीं रहना। तो खुदा के लिए थोड़ी सी ये फरियानियत छोड़ें, इंसान बने यार। आप इतना तो उनका ख्याल कर लेते, आपके पास मेहमान आए हैं, वो रोज़े के साथ थे, वो आपसे मिलना चाहते थे, वो कोई आपको प्रमोशन के लिए तो नहीं आए थे। अच्छा, उनकी ना जिस साहब की बात कर रहा हूँ, इस प्रमोशन से मुझे याद आ गया, तो उन्होंने कुछ तकरीबन हो गए हैं 2-3 वीक पहले एक वीडियो ना उन्होंने कहा था कि मैं किसी की भी प्रमोशन करता हूँ तो मैं इतने चार्ज लेता हूँ, उन्होंने तो 65,000 कहा था, मैं कहता हूँ वो 65 कैसे होगा, क्योंकि 65,000 बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, तो इनके लिए कुछ नहीं होता। तो जनाब मोहतरम, अगर आप किसी को एक दो सब्सक्राइबर आपके आप किसी से आप खुद वो फरमाते हैं कि मैं 65,000 जो है लेता हूँ प्रमोशन के, तो आप 65,000 लेते हैं, आपको 65,000 से किसी के 200-300 सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, तो उस बेचारे का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर आपके यूट्यूबर होने का क्या फ़ायदा,
जब आपकी वजह से किसी को कोई फेम ही नहीं मिला, किसी को कोई मकाम ही नहीं मिला, अल्लाह पाक ने आपकी इज्जत दी, उसको संभाल कर रखना चाहिए था, ठीक है ना। बस यार क्या कहें, अगर कुछ उसका नाम वगैरह हम ले लें तो हो सकता है हमारे चैनल उड़ जाए, हम नहीं ले सकते मेरे भाई, आप समझदार हैं। बाकी अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे, तो माह रमज़ान के महीने हैं, अल्लाह पाक हमें नेकी करने की भी तौफीक दे। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।